छठ पूजा मनाने के लिए मैं रांची एयरपोर्ट और वहाँ से फिर बोकारो स्टील सिटी के लिए निकल गए। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा छठ पूजा का कार्यक्रम। अभी घाट घेरने के लिए हम लोग वहाँ पे घाट के पास अपना नाम लिखना पड़ता है, क्वार्टर नंबर और ये सब लिख करके घाट घेरना पड़ता है। तभी हम जब छठ पूजा करने के लिए डाला लेके जाएंगे तो अपनी जगह पर आराम से छठ पूजा करेंगे। और ये देखिए छठ की तैयारी झारखंड में जोर शोर से होती है। अब हम लोग छठ पूजा का सामान खरीदने के लिए निकले हैं। ये छठ पूजा का सूप जो पूजा करते हैं उठाते हैं वो मिल रहा है। फिर हमने नारियल के खरीदा जो सूप पर डाला जाता है, सूप पूजा किया जाता है। उसके बाद ये दिया के खरीदने के लिए दिए वाले के पास गए। इस तरह से छठ पूजा की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू हो गई है मेरी। सारा सामान खरीदने के बाद हमने ब्रेक लिया, लंच के लिए बाहर गए। और ये उसी दिन रात को ही पूरा किचन उचन साफ कर लिया जाता है, अच्छे से पूरी धुलाई कर ली जाती है, ताकि जब अगले दिन जो कद्दू भात की तैयारी होगी उसके पहले ये सफाई कर ली जाती है। और ये देखिए ये कद्दू भात का दिन है तो इस कद्दू की सब्जी बनेगी और चावल बनेगा, वो पूरी पवित्रता के साथ बनेगी। इसलिए ये कमरे को साफ करके मैं और चाची दोनों मिलके कद्दू भात की तैयारी कर रहे हैं। मैंने ये चावल चुना और चाची कद्दू काट रही है ताकि ये एक साथ फिर मैं इसको बनाने के लिए अच्छे से साफ करके किचन में बनाऊंगी। अब ये कद्दू कट गया है, ये मैं कद्दू को पकाने के लिए कुकर में डाल दिया है। ये बिना लहसुन प्याज का खाना होता है। प्योर घी में कद्दू बनता है, दाल बनता है और ये सेंधा नमक में पकता है पूरा खाना। इस पूरी पवित्रता के साथ ये खाना बनता है। और उसके बाद खाना बनने के बाद सबसे पहले जो इसको छठ पूजा करना है वो पहले खाना ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही कोई खा सकता है। खाना खाने के बाद फिर से नहा धो कर के ये गेहूं आता है जो कि खरना में यूज़ होता है, उसको साफ़ करना होता है ताकि इसमें कोई भी कीड़ा या कंकड़ कोई भी चीज़ ना रहे। इसलिए मैं और चाची खाना खाने के बाद फिर से नहा धो कर के ये गेहूं चुनने लगे। गेहूं साफ़ करने के बाद इनको पिसाना होता है। और ये शाम को सोहा को मेहंदी लगानी थी छठ पूजा में, बहुत दिन से उसने सोच के रखा था तो मेहंदी वाले को बुलाया और उसने फिर ये मेहंदी लगवाई, क्योंकि उसका 6:30 बजे तक ऑफिस चलता है तो 6:30 बजे तक इंतज़ार किया। मदर इन लॉ की तबीयत इस बार थोड़ी ख़राब थी इसलिए वो काफ़ी डल लग रही हैं, उन्होंने मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि मैंने नहीं लगवाया था। और ये रात का खाना बन रहा है मेरे लिए जो चाची प्योर घी में बना रही हैं, पराठे आलू का भुजिया। वो जो भी मैं खाऊंगी वो पूरा प्योर घी और शुद्ध और सेंधा नमक का ही खाना बनेगा। चाची रांची से आई थी मेरी हेल्प के लिए और ये चाचा बैठे हैं और ये फादर इन लॉ बैठ करके टीवी देख रहे हैं। मदर इन लॉ काफ़ी डल लग रही हैं इस बार क्योंकि वो बीमार थी, दिल्ली से ऑपरेशन करा के गई थी। अब चाची ने खाना बना लिया और ये उन्होंने भी मेहंदी लगवाई, नहीं लगवा रही थी फिर मम्मी ने बोला कि जो नहीं लगवा लो। सुहा ने भी जीत किया कि नहीं चाची लगवा लीजिए और सुहा तो बहुत खुश है मेहंदी लगवा करके। अब ये मेहंदी का कार्यक्रम ख़त्म हो गया, मुझे मम्मी ने बोला नहीं लगाना है। अब ये रात को मैं भोजन कर रही हूँ अपना,
खाना है मेरा ये, पहले पूछ के निकाल दिया जाता है और फिर ये खाना मैं खा लूँगी। अब ये दूसरे दिन खरना की तैयारी चल रही है, ये बिल्कुल कमरे को अच्छे से साफ करके मैं और चाची नहा धो करके फिर कमरे में अंदर गए और चाची ये दूध गर्म कर रही है। खीर बनता है खरना के दिन और ये अलग से जो दूध लिया हुआ है ये अलग से प्रसाद बनेगा, और ये प्रसाद जो बन रहा है चाची जो बना रही है खीर, वो पूजा होगा उसके बाद ही मैं उसको खाऊंगी। और ये देखिए चावल वल भी साफ करके पानी अंदर ही रखा जाता है, बाहर कुछ नहीं फेंका जाएगा जब तक कि पूजा नहीं हो जाएगा। और ये चाची आटा गूंद रही हैं, दोस्ती रोटी बनती है जो कि खरना में पूजा जाता है, उसके लिए चाची भी मेरी हेल्प काफ़ी कर रही हैं। यह फेस्टिवल ऐसा है कि सब मिलजुल कर करते हैं तभी अच्छा लगता है। इसके बाद ये पूजा शाम की पूरी तैयारी हो रही है जिसमें मैं ये पूजा करूँगी। उस ढकनी को मैं पहले अर्पण लगाती हूँ और फिर ये सिंदूर से उसका टीका उसमें लगाती हूँ पूरा। बहुत ही सुंदर लगता है ये पूजा करने से, मन बिल्कुल बहुत ही खुश हो जाता है। बहुत ही बड़ा पर्व है ये हमारा, पर्व नहीं इसे महापर्व बोलते हैं। अब खीर बनने ही वाला है, थोड़ा अलग से बनता है तो ये हीटर पर थोड़ा धीरे धीरे बन रहा है। मैं हीटर में ही आम का लकड़ी डाल देती हूँ और देखिए इस तरह से इसमें पूजा जाएगा खीर, तो इसको इस तरह से सजाते हैं। अब मैं तैयार हो कर के शाम के टाइम में ये पूजा, करीब 7 बज गए हैं और मैं उसी ढकनी में सब कुछ जो प्रसाद बनाई थी वो चढ़ाया, पान का पत्ता, सुपारी, फल में केला, गुड़ में खीर बनता है वो चीनी नहीं पड़ती है इसमें, सारा कुछ प्रसाद में चढ़ा करके अपना पूजा कर रही हूँ। मन बिल्कुल खुश हो जाता है इस फेस्टिवल को करके, बहुत ही अच्छा लगता है। इस पूजा के बाद सभी एक एक करके आते हैं खरना में प्रणाम करने के लिए, और उसके बाद मैं इसको पूज करके फिर मैं यही प्रसाद को इस यहीं पर बैठ करके खाऊंगी और बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। अगर आवाज़ आ गई मतलब कि खाना को फिर वहीं पर छोड़ देना है। ये मैं हवन कर रही हूँ और हवन करने के बाद मैं अब अपना प्रसाद ग्रहण करूँगी। ये मेरी बहन है मेरे से छोटी, ये भागलपुर से आई थी छठ के लिए। इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, श्रद्धा से सभी अपने मन से आते हैं और अपना हेल्प करते हैं छठ माँ के पूजा के लिए। मुझे ये पूजा हो गया, मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया, अभी ये सभी को मैं सिंदूर का टीका लगाऊंगी और सब प्रणाम करेंगे मुझे। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से, आप अगर पूजा करके सभी को टीका लगाते हैं सिंदूर का तो इसका बहुत ही महत्व है हमारे तरफ। अब मदर इन लॉ भी थोड़ा अपना, उनको सबने मिलके तैयार व्यार किया कि चलिए थोड़ा सा शाम को, पहले वो करती थी ये पूजा, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, शरीर ने साथ नहीं दिया तो अब बीमार रहती हैं। तो ये चाची हैं, ये ठल्लो मौसी भी आई थी अपना खरना में, काफ़ी लोग आते हैं।